हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैंने कान्हा जी की फुल हैट बनाई है। ये इसकी ड्रेस है, ये मैंने ड्रेस अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये फ्लावर वाली हैट, बहुत ही प्यारी हैट बनी है। चलिए वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। स्लिप नोट लगाएंगे, अब ऐसे थ्रेड को निकालेंगे, 1 2 3 चेन डालेंगे। यहाँ फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 चेन डालेंगे। इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे थ्रेड लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे, ये 3 हो गए, फिर ये 2 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे दोनों में से निकालते जाएंगे। इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 थर्ड वाली चेन में यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये ऐसे राउंड बन गया। अब 1 2 3 चेन डालेंगे, ये नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सब में ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये ऐसे हेड की शेप आ गई। अब फिर 1 2 3 चेन डालेंगे, इसी में इसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 थर्ड वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, ये मैंने 1 2 3 रो डाली हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ थर्ड वाली चेन में ये स्लिप स्टिच कर से जॉइंट कर देंगे। अब 1 2 3 चेन डालेंगे और इसके अंदर यहाँ जहाँ पर हमने डबल क्रोश 3 की चेन डाली थी वहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर ये नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 3 का 2 2 का 1 हो गया। ऐसे ही बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे, ऐसे हैट बन गई। अब यहाँ 1 2 3 थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ऐसे ट्राई कर लेंगे, इसे टाइट करेंगे, 1 चेन डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। पूरी चेन में हम सब में ऐसे सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ ये जो फर्स्ट वाला था इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये ऐसे कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 चेन डालेंगे, ये 1 और 2 स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन डालेंगे और 1 और 2 स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन डालेंगे, 1 और 2 स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे बनता जाएगा, ऐसे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे,
ये देखिए कान्हा जी की हैट रेडी हो गई, बहुत ही सुंदर हैट बनी है। हम यहाँ से थ्रेड लेंगे और 1 2 3 चेन डालेंगे, फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और एक, ये तीन डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर देंगे। ये ऐसे लेस बन गई। फिर हम ये जो डबल क्रोशिया है स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 3 चेन डालेंगे, फिर इसी में डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन, फिर इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम इसके अंदर यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर एक दो तीन चेन डालेंगे, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे यहाँ अटैच कर देंगे। छोटा सा फ्लावर बन गया। अब यहाँ थ्रेड को कट कर देंगे, इनको हम बैक साइड ले जाएंगे। ये ऐसे छोटा सा फ्लावर बन गया, कान्हा जी की फ्लावर वाली हैट बन गई। चलिए देखिए अब भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।